नीतीश वहां बड़ी खूबसूरती से निकल जाना चाहते हैं और उधर आरजेडी उनको लिए पलक पावड़े बिछाए हुए, क्योंकि आरजेडी को लिए भी सत्ता में देखे। आप एक बात सोचिए, आजकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर लंबे अरसे तक सत्ता से बाहर रहे तो उनका जो कार्यकर्ता है वो भागने लगता है। इसलिए उनके लिए जरूरी होता है कि किसी न किसी तरह सत्ता मिल जाए ताकि जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ बना रहे, बाकी सब चीजें गौण है। तो अब उनको आरजेडी में तेजस्वी यादव को लग गया कि अब सत्ता आ जानी चाहिए, भले ही थोड़े समय के लिए चले, चाचा पिल गांव दे करके दूसरी तरफ चले जाए, क्योंकि इससे जो उनका पार्टी का सेटअप है और जो उनके अपने लोग हैं वो उनके साथ फिर जुड़े रहते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ सत्ता आ गई है। आरसीपी से इनकी बड़ी चर्चा हो रही है और कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र की तरह चीजें बदलेगी। महाराष्ट्र तो यहाँ की स्थिति तो बहुत अंतर है, उद्धव ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और एक जिसको कहना चाहिए सरल और तिकड़म विहीन मुख्यमंत्री थे, तो वहां आसानी से बीजेपी ने लोगों को तोड़ा और ईडी उसका सहारा बनी। यहाँ इससे दूसरी, यहाँ हमारे पास अभी रन्ना जी ने कहा कि बहुत ही घुटे हुए मंजे हुए हैं, तो इतना घुटे हुए हैं कि दूसरा कोई और घुट नहीं सकता है भांग वहां, तो सिलबट्टा उनको मालूम है कि कैसे चलाना जिससे बढ़िया भांग घुटे। तो यहाँ इतना आसान नहीं है उनको तोड़ पाना, क्योंकि उन्होंने दूसरा जो विकल्प है वो पहले से चुन रखा है। 2024 का चुनाव है, बीजेपी चाहेगी कि 24 तक अगर बना रहे मामला तो ठीक है, क्योंकि तो उसके लिए उसको मालूम है कि कोई सत्ता नहीं जाने वाली है, सत्ता अल्टीमेटली नीतीश के पास ही रहेगी, 40, 80, 70 के बाद का कोई बहुत मतलब नहीं है, और इसीलिए 40 विधायक होने के बावजूद नीतीश को बनाएंगे। तो उनको मालूम है कि अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो फौरन दूसरे पाले में चले जाए। आरसीपी सिंह पर आरोप लगे, अब वो जेडीयू ने पूछा कि आप अपनी संपत्ति संपत्ति का ब्यौरा दें, तो आप देखते हैं परंपरा तो अभी देश में है कि ईडी के पूछने से लोग जवाब देते हैं, या तो जवाब दे देते हैं या जेल चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति तो आरसीपी सिंह के साथ होगी नहीं, और कह भी चुके हैं कि बिल्कुल हाँ बीजेपी जा चुके हैं, आप जा नहीं चुके, आप ये मान लीजिए कि बीजेपी में है, खाली कह नहीं रहे। और वैसे भी मेरा जो अनुभव है, तभी अगर अलग डिबेट होगी तो उसको मैं अफसर वाइज बताऊंगा कि जितने ऑफिसर टर्न पॉलिटिशियन है उनके अंदर वो पॉलिटिकल एक्रूवमेंट नहीं होता जो सीधे पॉलिटिशियन बनता है। अफसर देखिए जिंदगी भर हाँ जी हुजूरी करने का आदी हो जाता है, एक सरकार बनी दूसरी सरकार में फौरन फाइल ले जा करके उनका मुरीद बन जाता है और नेता को लगने लगता है कि यार यहाँ भी बड़ा काबिल है, इसको हटाना नहीं चाहिए। और ऐसे बहुत से अफसर बिहार में भी होंगे, देश भर में हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ लंबी लाइन है, और यहाँ भी अब एक दौर आ गया कि उत्तर प्रदेश में कई अफसर बन गए हैं, और बाकी अफसर जब रात को सोते हैं 8-10 घंटे मेहनत के बाद, क्योंकि तो उनको अपने को प्रूव करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो यही सपना लेके सोते हैं, हिसाब किताब लगाए रहते हैं कि हम साल भर बाद रिटायर होने वाले हैं, तो अब देखते हैं हमें कोई पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, वो सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो आरसीपी को वो पॉलिटिकल एक्रूवमेंट का आदमी नहीं मानते जो नीतीश कुमार, तो इसलिए हमको मैच नहीं कर सकते। और नीतीश ने भी वो कोई इनके खिलाफ मुकदमा कराने थोड़ी चले जाए, एक पब्लिक डिबेट में डाल दिया कि देखो इतने ये उनको पहले ही मालूम था कि भ्रष्ट आदमी है। अच्छा बीजेपी जाहिर है उनके खिलाफ जांच नहीं कराएगी, हम आप बहस करेंगे तो जवाब नहीं देंगे, और जवाब देंगे तो देखिए सीधे भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं वो हमारी पार्टी में आ गए इसलिए वो भ्रष्ट नहीं रहे,
और गंगा जो सूखा, और एक वो होता है ना, एक जब वो दूसरी पार्टी चला था तब पुनः उसका वो कहते हैं, वरना कहते कि नहीं अब फेर हो, तुम फेर हो, फेर बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे लगता है बिहार की समस्या हम आप ज्यादा चिंतित और डिस्कस कर रहे हैं, नीतीश कुमार को इसकी कोई बहुत चिंता नहीं। और कुछ बात हमको ऐसे मालूम अपने पत्रकार मित्रों से, लेकिन चूंकि बहुत ही पर्सनल मामला तो मैं उसको बता नहीं सकता, तो मैं आपको बता कि हम लोग में यूएनआई में लंबे रास्ते तक रहा हूँ, तो हमारे जो वहां सूत्र है यानी लखनऊ में बिहार के बहुत पत्रकार, तो सब बात होती है, तो कहते भैया आप चिंता मत करो, ये सब खेल है, बिल्कुल फिट हो जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।